अंतर्गत तार कंपनी के तालाब में 18 तारीख को एक बैग मिलने की सूचना थाने को प्राप्त हुई थी। वो बैग संदिग्ध इसलिए लगा क्योंकि उसमें से दो अंगुलियां बाहर निकली हुई थी। थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जब बैग को बाहर निकाला तो उसमें देखा कि एक डेड बॉडी की दो अंगुलियां बाहर निकली हुई है। बैग को जब खोला तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी निकली जो डिकम्पोज अवस्था में थी और तत्काल इस पर एक FIR दर्ज हुई और जमशेदपुर पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इस घटना में जो संदिग्ध लोग थे जिनका नाम आया था उनसे पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के क्रम में और अनुसंधान के बाद ये बात प्रकाश में आई है कि उस महिला की हत्या जमशेदपुर पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो साक्षी थाना में तैनात थे उनके द्वारा की गई थी। महिला से उनका संपर्क पिछले कुछ वर्षों से था। हत्या का कारण जो उन्होंने बताया वो उन्होंने ये बताया है कि वह महिला क्योंकि इनके साथ उसका संबंध था तो उसको ब्लैकमेल कर रही थी और एक्सटॉर्शन कर रही थी और घर परिवार से वो कट ऑफ टाइप था और वो इस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए उसने प्लानिंग के तहत उस महिला की हत्या करने की योजना बनाई। उसने बिष्टुपुर से उस महिला को अपने टेलको स्थित क्वार्टर में लेके वहाँ पहले उसके साथ हाथापाई की, दीवार में उसका सिर मारा, फिर उसकी गर्दन दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस महिला के बिलोंगिंग्स जितने भी थे, सामान जितने भी थे, उसको उसने नदी में प्रवाहित किया और उसकी डेड बॉडी को तार कंपनी के तालाब में एक बैग में अच्छे से पैक करके प्लास्टिक के डोरे से सिल के डंप कर दिया। उसका मोबाइल फ़ोन बिष्टुपुर एरिया के अंतर्गत उसने डंप किया। उसकी निशानदेही पे एक मोबाइल महिला का बरामद किया गया है और अनुसंधान जारी है। इसमें ये संदिग्ध एक्चुअली उसका भी संदिग्धों में नाम था, उससे भी पूछताछ की गई है, लेकिन घटना को अंजाम इसी व्यक्ति ने दिया।